मैं हूं हरीश गंगवार और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो सोनेट पर। सोनेट क्या है? सोनेट कई बार आपको इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है, पोएट्री में, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, स्पेशली जब आप ग्रेजुएशन में पहुँच जाते हैं बीए में और इंग्लिश से जब आपका पाला पड़ता है तो सोनेट उसमें देखने को मिलता है। तो सोनेट के बारे में बात करेंगे। तो सोनेट क्या है? एक इटालियन वर्ड है जो सोनेटो वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और सोनेटो जो वर्ड है इटालियन शब्द है, लेकिन सोनेटो को सोनस से लिया गया है। सोनस एक लैटिन वर्ड है, तो यानी लैटिन वर्ड के सोनस से इटालियन वर्ड सोनेटो बना और फिर वो सोनेटो से सोनेट बन गया। और सोनस का मीनिंग होता है साउंड। और सोनेट का क्या मीनिंग है? सोनस का मीनिंग साउंड। फिर आगे बात करते हैं, 13th century में इसको एक 14 line की पोएम के रूप में माना गया, ठीक है। 14 line की एक पोएम जो फॉलो करता है एक राइमिंग, एक स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम को। यहाँ पर स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम का मतलब है कि 14 line की पोएम, और जो राइमिंग स्कीम होता है ए बी 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 सी डी डी डी, जो भी राइमिंग स्कीम सीखना चाहते हैं तो राइमिंग स्कीम की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, और अदरवाइज आप मोर लिंक्स में देख सकते हैं। तो राइमिंग स्कीम का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि राइमिंग स्कीम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे बात करते हैं, ओरिजिनली जो पहली बार सोनेट की कंपोजिशन हुई थी द होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड के टाइम में हुई थी, सिसिलियन सिटी पैलेर्मो में। सिसिलियन सिटी का मतलब है इटली का जो सिसिली द्वीप समूह है यानी आइलैंड है, उसमें एक शहर है पैलेर्मो। तो वहाँ पर रोमन एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड के दरबार में पहली बार उसको कंपोज किया गया। और 13th century का एक पोएट रहा है जिसका नाम है गायकोमो डा लेंटनी। तो पोएट और नोटरी दोनों ही था, तो सोनेट का इन्वेंशन इसको, इसका क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद सिसिलियन स्कूल ऑफ पोएट्स इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, मेनलैंड में ले गए, यानी इसका विस्तार किया। आगे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ सोनेट। वेरिएशन ऑफ सोनेट का मीनिंग मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में आप जिस प्रकार के सोनेट्स पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रकार के सोनेट्स होते हैं। उसमें आपको देखने को मिलता है पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, ऐसे बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। तो ये उनका वेरिएशन हो गया, यानी परिवर्तन कैसे कैसे हुआ। तो वेरिएशन में हम बात करते हैं कि आखिर ये वेरिएशन कहाँ से शुरू हुआ। तो एक वेरिएबल राइम स्कीम के साथ, पहले स्ट्रिक्ट राइम स्कीम हुआ करता था, वेरिएबल राइम स्कीम है। वेरिएबल राइम स्कीम का मतलब है कि इसमें जो राइमिंग है, जो लय है, वो बदलती रहती है अलग अलग तरह के सोनेट्स में। ओरिजिनेशन इसका इटली में ही हुआ, अभी हमने जो बात की थी शुरुआत में 13th century में, लेकिन इंग्लैंड में लेकर आए थे सर थॉमस वियाट एंड हेनरी हॉवर्ड, जो कि अर्ल ऑफ सरे थे 16th century में। यानी 13th century में इसका इन्वेंशन हुआ और लाया गया इंग्लैंड में 16th century में, सर थॉमस वियाट एंड हेनरी हॉवर्ड। फिर सोनेट के बारे में वही बात करते हैं, तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती है जो पहले बताया था, एक लिटिल सॉन्ग। सोनेट का मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, और ये एक सिंगल सेंटीमेंट पर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और इसमें एक क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। एक थॉट में थोड़ा सा चेंजिंग अगर देखने को मिलता है तो कंक्लूडिंग लाइन्स में, कंक्लूडिंग यानी लास्ट की दो लाइन्स। टोटल कितनी लाइन्स होती हैं? 14 lines। अगर बात करें शेक्सपियरियन सोनेट की, तो शेक्सपियरियन सोनेट कैसा होता है? 3 quatrains and 1 couplet, यानी चार चार लाइनों के 3 stanza और उसके बाद एक दो लाइन का स्टेंजा। फिर बात करते हैं, बहुत से टाइप के सोनेट्स होते हैं, तो सोनेट के टाइप हम देख लेते हैं एक बार। सोनेट के टाइप्स, और बाद में वीडियो लेकर आऊँगा मैं, अलग अलग हर एक सोनेट की अलग अलग पहचान बताऊँगा उसमें, तो वो वीडियो भी आपकी जल्दी मिलने वाली है। तो पहला है पेट्रार्कन सोनेट, सेकेंड द इटालियन सोनेट, थर्ड इंग्लिश सोनेट, और शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियर का सोनेट या इंग्लिश सोनेट एक ही बात है। द कॉडेट सोनेट, द कर्टल सोनेट, द सोनेट रीडेबल, द स्पेंसरियन सोनेट, द स्ट्रेस्ड सोनेट, द सबमर्ज सोनेट। तो ये सोनेट के प्रकार हो गए,
जिसमें से हमारा इटालियन, पेट्रार्कन, इंग्लिश और स्पेंसरियन ये बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन आगे आने वाली वीडियो में सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चैनल को देखते रहिए, देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।